नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AS अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा डेट को लेकर काफ़ी तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं और अभी भी फैलाई जा रही हैं और तरह तरह के दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन मैं आपसे हमेशा यही बात कहते आया हूँ कि आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, आप किसी भी प्रकार से किसी भी गलत जानकारी लेकर भटकें नहीं और ना अपना रास्ता भूल जाएँ। आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसी को लेकर आज आपको एक बेहतर खुशखबरी की बात है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हो गई है। और मैं आपको बता दूँ कि इस न्यूज़ को देखने के लिए आप जो भोपाल से समाचार निकलता है हरिभूमि, ये हरिभूमि जो पेपर है ये आपका आज बुधवार 9 सितंबर 2020 का है। इसका पहला पेज ही आप ओपन करेंगे तो आपको पहले पेज पर सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से संबंधित न्यूज मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे नीचे मिलेगी आपको ये पेज, ओपन जैसे ही आप कर रहे हैं प्रथम पेज है और इसके सबसे नीचे देखेंगे तो इधर पर आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा से संबंधित जानकारी मिल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बात हमेशा बताया है कि आप अपनी तैयारी ना छोड़ें, आप अपनी तैयारी करें। लोगों ने जैसे भी दावा किए हैं या करते आए हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो उनका अपना ओपिनियन है या अपना ओपिनियन रहता है इसलिए वो दावे करते हैं। लेकिन मेरा एक शिक्षक होने के नाते आपसे यही कहना है, आप अपनी तैयारी करते रहें, आप अपनी तैयारी में जुटे रहें जिससे कहीं आपका नुकसान ना हो। इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वो ज़रा देख लीजिएगा। ये न्यूज़ है आपकी इधर पे कि 26 सितंबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा जो कि 2 पालियों में होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये लिखा है और इसको आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ कि एडमिट कार्ड जल्दी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन एडमिट कार्ड को लेकर अभी कोई डेट नहीं दी गई है। तो आगे भी समझते हैं, कई दिनों से लाखों उम्मीदवार कर रहे थे परीक्षा का इंतजार। ये आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो वर्ग 3 की परीक्षा का इंतजार कर रहे होंगे। इधर पे आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। PEB द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार MP प्राइमरी स्कूल TET 2020 परीक्षा आयोजन 26 सितंबर से किया जाना है और परीक्षा 22 अक्टूबर तक चलेगी। मध्य प्रदेश राज्य के स्कूल में प्राइमरी टीचर के पदों के लिए पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार MP TET प्राइमरी स्कूल परीक्षा 2020 का कार्यक्रम MPV की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर परीक्षा कार्यक्रम के सेक्शन में देख सकते हैं। ये तो पहले ही वहाँ पर लिखा गया था, आपकी जो व्यापम की वेबसाइट है वहाँ पर लिखा है कि 26 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आपके एग्जाम होंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे ये कहते हैं कि हालांकि PEB द्वारा MP प्राइमरी स्कूल TET 2020 प्रवेश पत्र को जारी किए जाने की तिथि को लेकर फिलहाल यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन एक खास बात याद रखिएगा, वहाँ पर ऐसा अपडेट किया गया है कि जल्द ही आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो उसकी डेट अपडेट हो जाएगी, तो वहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर एक और बात, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 और दोपहर 2 बजे से जो आपका पेपर है वो आयोजित होगा। आपका ये पेपर 2 पालियों में होगा, एक MP प्राइमरी स्कूल TET 2020 परीक्षा आयोजित निर्धारित तिथि जो कि ढाई ढाई घंटे कोई 2 पालियों में किया जाएगा जो कि सुबह 9 बजे होगा और दूसरी पाली आपकी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। दोनों ही पालियों के पेपर के लिए अधिकतम अंक आपका 150 का होगा, यानी 150 का आपका पेपर होगा और 150 के पेपर के जो अंक निर्धारित किए जाएंगे, परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यम पाए जाएंगे, दोनों ही माध्यम में होगा आपका, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा। उसके साथ साथ उम्मीदवारों को 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे जिसमें विकल्प दिए गए होंगे। उस परीक्षा को सही उत्तर चुनकर उसके संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की मदद से इसका काला करना होगा। ये बात बिल्कुल सही है, इतनी तो बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एग्ज़ाम दिया है तो वो लोग समझते हैं। तो देखोगे ये बात बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गई कि अब 26 सितंबर से आपके एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है। और मैं पहले ही बताते आया कि देखिएगा, उपचुनाव है तो उपचुनाव के कारण यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार को अपना उपचुनाव यदि बचाना है, उपचुनाव में यदि उनको जीतना है तो फिर कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे छात्रों की नाराज़गी ना हो। तो इसी कारण इन लोगों ने एग्जाम का कदम उठा लिया है। तो अब आप चिंता ना करें, आपकी एग्जाम होगी। और आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको लगता है, कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पसंद कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर न्यू है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के यदि नोट्स आपने अभी तक बुकिंग नहीं कराए हैं तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है, हमारे से आप 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है और आप 20 दिन में फुल तैयारी कर सकते हैं उस नोट्स के माध्यम से। तो नोट्स आज ही बुकिंग करा लें और दिए गए नंबर पर नाम अपना एड्रेस लिखकर मुझे व्हाट्सअप पर भेज दीजिएगा, यहाँ पर नोट्स बुक हो जाएंगे, 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँच जाएंगे। चलिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा।